जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो रघुनाथ जी हमारे साथ हैं और हम रघुनाथ जी के साथ हैं उनका सुंदर मंदिर बनाने के लिए। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि राम लला जी का मंदिर अयोध्या में आ रहा है। हरि बोल। 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जाए। तो रामचंद्र जी का अगर ये सुंदर मंदिर बनने वाला है तो वेल यहाँ जाना तो बनता ही है, इसलिए मैं तो 100% जा रहा हूँ श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर मंदिर बन रहा है, हालांकि इसको शुरू से लेकर के बनते हुए देखना ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन हो सकता है आप से कई लोग हैं जो कि अयोध्या ना पहुंच पाए। पर अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या आपको दर्शन नहीं होंगे? वेल, तो आप सबके लिए मानसिक दर्शन इस वीडियो में तो अवश्य हो जाएंगे। तो ये जो मंदिर प्रकट हुआ है इसके पीछे बहुत ही डिटेल हिस्ट्री है, सदियों का संघर्ष है, कई सारे भक्तों का बलिदान है, उनका प्यार है, उनकी भक्ति है। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो रामलला जी का मंदिर है किस तरह से होने वाला है एक आर्किटेक्चरल मार्वल। यस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन इसके आर्किटेक्ट है, कहां कहां से जल लेके आए, कहां कहां से मिट्टी लेकर के आए, किस किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या क्या त्याग किया है इस सुंदर से मंदिर को बनाने के लिए। इट इज गोइंग टू बी अ मास्टरपीस। पर ये मास्टरपीस भला किस तरह का होगा, सो आज हम वो सब आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये जो मंदिर आज प्रकट हो रहा है ना, वेल इसके पीछे है 134 साल की कानूनी लड़ाई। 162 साल पहले 1858 में पहली FIR दर्ज की गई थी इस मंदिर के इशू को लेकर के। 134 साल पहले 1885 में पहली बार ये किस्सा पहुंचा कोर्ट में, और 64 साल के बाद यानी कि 1949 में फिर से ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई, और फिर इसके भी 61 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक फैसला सुनाया गया। तो 2010 में जो फैसला आया था इसके अनुसार पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। सो ओके, सो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ शेयर्ड प्रॉपर्टी फॉर श्रीराम। वेल, नॉट सो गुड न्यूज। और फिर इसके 9 साल बाद यानी कि 2019 में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। वेल, यहाँ पर तो रामलला जी का मंदिर ही बनेगा और श्रीराम यहाँ पर विराजमान होंगे। तो ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इट इज अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इट इज गोइंग टू बी इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल। वेल, कहा जाए तो कम से कम तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में। तो ये राम जन्मभूमि में बनने वाला जो सुंदर मंदिर है इसका पहला स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ था बाई द सोमपुरा फैमिली इन द ईयर 1988। यस, और ये जो सोमपुरा फैमिली है ये पिछली 15 जनरेशन से मंदिर बनाती आ रही है। इवन सोमनाथ जी का मंदिर भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, और अब तक करीब 100 से ज्यादा मंदिर ये डिजाइन कर चुकी है। इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, और उनके दो पुत्र उन्होंने भी सहयोग दिया इस मंदिर को बनाने में, जिनका नाम है निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। और ये मंदिर बनेगा वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र दोनों कलाओं को साथ लेकर के। गुजर चौलुक्य नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का टेंपल होने वाला है। इसको पहली बार डिस्प्ले किया गया था 2019 में प्रयाग के कुंभ मेला में। और साथ ही इस मंदिर की खास बात यह होगी कि इसमें कोई भी आयरन रॉड नहीं होगी, नो स्टील रॉड, नो आयरन रॉड, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके ये मंदिर बनेगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर व्हाइट सीमेंट, कॉपर और वुड इनका इस्तेमाल किया जाएगा भगवान का मंदिर बनाने में। और इसके पीछे कारण ये है कि मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रक्चर की उम्र कम हो रही है, उसको कोरोजन हो सकता है, जंग लग सकता है उसको। नहीं, पत्थर में कौन सा जंग लगता है जी, नहीं। तो इसीलिए कम से कम ये 1000 साल के लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है, इसीलिए इसमें मेटल्स का कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। और श्री राम जी के सुंदर मंदिर में श्री राम के नाम की इंस्क्राइब की हुई ब्रिक्स इस्तेमाल की जा रही है फॉर मेकिंग द टेंपल। और साथ ही वो कार सेवक जिन्होंने अपना जीवन दिया श्री राम जी का मंदिर बनाने में, उनकी स्मृति में उनके द्वारा जो ऑफर्ड शिलाएं थी उनके लिए स्मृति स्मारक भी बनाया जाएगा। और साथ ही फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, अलग अलग स्थानों से, पवित्र नदियों से, थलों से मिट्टी और जल को लाया गया है, ताकि श्री राम जी के मंदिर को जब भी हम देखें तो हमें हमारी राष्ट्रीय एकता का भी स्मरण हो। तो हम सब जानते हैं सीता माता लंका में कहां रही, अशोक वाटिका में रही। तो इसलिए अशोक वाटिका से लाई गई है माता सीता की एक शिला। By whom? श्रीलंका के ही मिनिस्टर हैं जो कि लेकर क्या है माता सीता की शिला इस सुंदर भव्य मंदिर के लिए। इस मंदिर की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 1800 से 2000 करोड़ रुपए की। वैसे तो भारत में राम जी से प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं कि एक एक व्यक्ति कह रहा था जी मैं सारा पैसा दे दूंगा जी भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनाने में। लेकिन ट्रस्ट का ये मानना था नहीं, किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं मिलना चाहिए राम जी के मंदिर को बनाने के लिए, बल्कि हम सब भारतवासी मिल करके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए करीब 5 करोड़ से 6 करोड़ लोगों ने
श्री राम लला जी के सुंदर मंदिर को बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। वीएचपी के कई सारे कार्यकर्ता सेल्फलेसली घर घर जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे, राम जी के मंदिर को बनाने के लिए आप प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो अगर श्री राम लला जी का इतना सुंदर मंदिर बन रहा है तो भला इस्कॉन कैसे पीछे रहता। इसलिए यथाशक्ति ऑलमोस्ट सारे इस्कॉन टेम्पल्स ने रामचंद्र जी के इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया और इस्कॉन के डिवोटीज के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देख करके ही उनको इनवाइट किया गया है अयोध्या में भी। तो करीब 500 से ज्यादा डिवोटीज इनवाइटेड हैं कि वहां पर आए और यहाँ पर अयोध्या की गलियों में करिए हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद बांटिए। जी हाँ, सो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद बांटा जाएगा। इसके साथ ही डिवोटीज यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारी भारतीय संस्कृति पे आधारित बुक्स का, स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी वहां पर आए हुए शरणार्थियों को, तीर्थयात्रियों को और भक्तों को। लेकिन हाँ, कोई भगवद गीता का मिसयूज ना करे कि फ्री मिल रही है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं जी, बाद में लिफाफे बना देंगे। तो इसीलिए भगवद गीता दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हाँ उसके साथ एक 20-25-30 रुपए की एक पतली सी छोटी सी किताब भी होगी जो भी ले सकता है, लेकिन इसके साथ भगवद गीता भी दी जाएगी एंड दिस भगवद गीता वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा साथ ही इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली से एक पदयात्रा शुरू हुई 10 दिसंबर को। जी हाँ, 10 दिसंबर 2023 को डिवोटीज पैदल चलते चलते पहुंचेंगे अयोध्या धाम और वहां पर पहुंच कर करेंगे गलियों में हरिनाम संकीर्तन, श्री राम का नाम, हरि का नाम गुंजायमान होगा अयोध्या में। और साथ ही इस्कॉन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा किचन भी सेटअप हो रहा है ताकि जितने भी तीर्थयात्री वहां पर आए तो किसी को भी प्रसादम के लिए यहां वहां ना भटकना पड़े। दे कैन कम टू आवर इस्कॉन कैंप एंड वी वुड गिव यू प्रसादम फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लार्सन एंड टर्बो LNT ये इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर है और वो सेवा कर रहे हैं राम जी की एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस मंदिर की सिविल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी अगस्त 5 को 2020 में आफ्टर भूमि पूजन सेरेमनी। LNT कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 550 वर्कर्स ने इसमें सहयोग दिया, राउंड द क्लॉक दे वर वर्किंग ताकि टाइम से मंदिर कंप्लीट हो सके। और साथ ही पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा कार्विंग करने के लिए और ये कार्विंग करने के लिए आ रहे हैं 1000 से भी ज्यादा वर्कर्स राइट फ्रॉम राजस्थान इन द सर्विस ऑफ श्री राम। इस मंदिर का टोटल एरिया होगा 2.7 एकर्स, टोटल बिल्टअप एरिया होगा 57,400 स्क्वायर फीट, टोटल लेंथ ऑफ द टेंपल वुड बी 360 फीट, टोटल विड्थ ऑफ द टेंपल वुड बी 235 फीट, द टोटल हाइट ऑफ द टेंपल इंक्लूडिंग द पीक वुड बी 161 फीट, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स रहेंगे 3 और साथ ही द हाइट ऑफ ईच फ्लोर वुड बी 20 फीट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द टेंपल वुड बी 160 कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द टेंपल वुड बी 132 कॉलम्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द सेकंड फ्लोर जो टॉप फ्लोर है उसमें होंगे 74 कॉलम्स। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पिलर्स रहेंगे लगभग 400। कुल मिलाकर के 5 डोम्स होंगे और साथ ही 12 गेट्स होंगे टेंपल में प्रवेश करने के लिए और इसकी फाउंडेशन इज गोइंग टू बी वेरी डीप, 50 फीट डीप फाउंडेशन। और साथ ही गर्भगृह के मध्य स्थान में 5 मंडप भी होंगे, कुरु मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और इसके अलावा कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप भी रहेंगे। यानी कि कीर्तन मंडप में आप कीर्तन करिए और प्रार्थना मंडप में सीताराम जी से प्रार्थना करिए। और हर एक मंडप के ऊपर एक शिखर रहेगा और इसमें जो टॉलेस्ट शिखर होगा वो गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर होगा। साथ ही टेंपल और कैंपस के अंदर करीब 80,000 से 1,00,000 डिवोटीज अकोमोडेट हो पाएंगे। साथ ही इस मंदिर के अंदर फैसिलिटीज रहेंगी लाइक मल्टीपर्पज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेशन रूम्स, इमरजेंसी मेडिकल एड, पिलिग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, बैंक एंड ATM, रैम्प्स फॉर एल्डरली डिवोटीज जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रैम्प की भी व्यवस्था होगी। साथ ही एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि खाने का स्थान या टॉयलेट इत्यादि भी रहेंगे जो कि हर 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल रहेंगे। साथ ही इसमें सोलर एनर्जी पैनल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सूर्य की शक्ति का भी प्रयोग किया जा सके और साथ ही पिलिग्रिम विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जिससे कि आने वाले तीर्थयात्रियों को, भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो अगर हम बात करें डीटीज की यानी कि विग्रह को जिनको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो विग्रह होंगे राम लला जी के। तो यानी कि यहाँ पर किशोर रूप में राम जी उपस्थित होंगे, यहाँ पर राम लला जी के होंगे। यानी कि 5 साल की उम्र में रामचंद्र जी जैसे दिखते थे वैसे विग्रह यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और साथ ही राम लला जी के इस विग्रह में उनके साथ धनुष बाण भी रहेगा। सबसे पहले प्लान ये था कि हम नेपाल से शालिग्राम शिलाएं लेकर के आएंगे जो कि 60 मिलियन ईयर ओल्ड थी और उन शिलाओं से सीता और राम जी के विग्रह बनाए जाएंगे, लेकिन नक्काशी में कुछ दिक्कत आने की वजह से ये प्लान कैंसिल करना पड़ा, दुर्भाग्य की बात है। बट एनीवेज, लेकिन अब आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी के विग्रह 3 स्थानों से। तो
इसमें जो दो स्थान है जहां से विघ्न आ रहे हैं वो तो कर्नाटक में है और एक ऐसा स्थान भी है जो कि राजस्थान में है। तो इन तीनों जगह से विघ्न आएंगे तो जो ट्रस्ट है वो डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन से विग्रह यहां पर स्थापित किए जाएं। तो वासुदेव कामत नाम के शिल्पकार हैं जो कि मुंबई से हैं और वो इन डीटीज को कार्व आउट कर रहे हैं और इन तीनों में से जो सेलेक्टेड विग्रह होंगे उनको 17 जनवरी 2024 को स्थापना के लिए लाया जाएगा और 5 दिन का बहुत ही भव्य फेस्टिवल होगा प्राण प्रतिष्ठा का। यस, और इस प्रकार से 17 तारीख को जो फेस्टिवल शुरू होगा 22 तारीख को ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर विग्रह है इसको सोने के सिंहासन पे रखेंगे हमारे देश के ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और श्री रामचंद्र जी के विग्रह को इस प्रकार से प्लेस किया गया है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे भगवान के मस्तक पे पड़ेंगी, यानी भगवान का सुंदर चेहरे का आप दर्शन कर पाएंगे रामनवमी के दिन। तो श्री रामचंद्र जी का जो विग्रह होगा ये होगा 52 इंच टॉल और इसके नीचे पेडेस्टल भी आएगा, तो कुल मिलाकर के आपको दर्शन होंगे 8 फीट सुंदर विग्रह के, श्री राम जी स्टैंडिंग ऑन अ ब्यूटीफुल लोटस पेडेस्टल। और साथ ही इस मंदिर के करीब 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी डाल दिया गया है। आप कहेंगे ये टाइम कैप्सूल क्या होता है जी? टाइम कैप्सूल के अंदर क्या होता है? टाइम कैप्सूल के अंदर वो सारी जानकारी होती है कि भला यहाँ पर राम जी का मंदिर कैसे आया, किसने बनाया, इसके क्या क्या फीचर्स थे, आसपास भला क्षेत्र में क्या क्या हुआ करता था, कहाँ से पत्थर आया, कहाँ कहाँ से जल लाया गया, ये सारी डिटेल्स रहेंगी इस टाइम कैप्सूल के अंदर, ताकि भविष्य में कोई इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ करना चाहे, वेल सर टाइम कैप्सूल के अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो टाइम कैप्सूल के अंदर जो भी जानकारी होती है ये लंबे समय तक रह सकती है, उसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं आता, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। सो टाइम कैप्सूल इज ऑल्सो देयर सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो पीपल कैन नो। इस प्रकार से मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी है वो सुरक्षित रह पाती है कई हजारों सालों तक। वैसे तो ये रामलला जी का मंदिर हमेशा रहेगा, बट जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में कोई जानना चाहे कि जी ऐसे कैसे बन गया जी, तो सर टाइम कैप्सूल इज देयर एज एन एविडेंस दैट यस ये राम जी का मंदिर ही था और हमेशा रहेगा। सारे विवादों कर दो किनारे, नो मोर कोर्ट केसेस। और साथ ही रामचंद्र जी के मंदिर में घुसते हुए जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर जो घंटा होगा वो 2100 किलोग्राम का होगा, 6 फीट लंबा होगा, 5 फीट चौड़ा होगा और करीब 50 से 60 वर्कर्स मिलकर के इस घंटे को बना रहे हैं और इसकी टोटल कीमत होगी 10 लाख रुपए। इसके अलावा 10 और घंटे भी लगाए जाएंगे जो कि 500 किलो के, 250 किलो के और 100 किलो के होंगे। इसके अलावा रामेश्वरम से 613 किलो की बेल आई गई है जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जब मंदिर के अंदर राम जी के विग्रह को स्थापित किया जाएगा उस वक्त करीब 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु उपस्थित होंगे टेंपल कैंपस के अंदर। सो एडमिनिस्ट्रेशन विल एंश्योर कि इन सभी भक्तों को जो कि अयोध्या में आए हुए हैं इनको सुविधा पूर्वक श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो सके। साथ ही यहाँ पर म्यूजियम भी होने वाला है जिसके अंदर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारी फाइंडिंग्स की गई थी, यानी इस मंदिर को बनाने से पहले और भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी, तो उनको लेकर के म्यूजियम भी होगा, भव्य पार्क भी होगा, रहने के लिए गेस्ट हाउस भी होंगे, रूम्स भी होंगे, फाउंटेन्स भी होंगे और भी बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भक्तों के लिए बहुत ही मनोरम अनुभव रहे अयोध्या में आना। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं अयोध्या धाम में तो वो भी संभव है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली 30th December 2023 को खोल दिया गया है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, सो फ्लाई एंड यू कैन रीच अयोध्या धाम। और साथ ही इस एयरपोर्ट के अंदर 7 स्तंभ भी होंगे जो कि रामायण के जो 7 कांड हैं उनको प्रतिबिंबित करेंगे। और साथ ही रेलवे में स्टेशन तो पहले से था लेकिन इस स्टेशन को रेनोवेट किया जा रहा है कि आप अगर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आपकी स्मृति में सिर्फ राम ही राम हो। और इंडियन रेलवे के द्वारा करीब 1000 से भी ज्यादा ट्रेन रन होंगी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ताकि लोग अयोध्या सुविधा पूर्वक पहुंच सके। सो 19 जनवरी से ये सुविधा उपलब्ध होगी एंड यू कैन अवेल द रेलवे फैसिलिटी टू रीच अयोध्या। तो श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोसीजर है वो मकर संक्रांति से यानी कि 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 10 दिन तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा। ऑफिशियली वैसे तो हालांकि 22 जनवरी को इंस्टॉलेशन यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्य पूरा हो जाएगा और उसके 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी से मंदिर सभी विजिटर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इतने संघर्ष के बाद, इतने भक्तिभाव के साथ, इतने सैक्रिफाइसेस के बाद ये सुंदर श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है अयोध्या धाम में। तो इसलिए जितने भी भारतवासी हैं या और भी बाकी धर्मों से, पंथों से जो लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है आइए और श्री रामचंद्र जी की शरण में आइए, उनके दर्शन करिए अयोध्या धाम में। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।